हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुजा वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लौकी की सब्जी बना रहे हैं। लौकी को कुछ जगह पर घिया कहते हैं या फिर दूधी भी कहते हैं। आज हम अलग तरीके से लौकी की सब्जी बना रहे हैं। हम इसे भरता स्टाइल में बना रहे हैं, तो जिसे लौकी की सब्जी पसंद नहीं है वो भी इसे प्यार से खा लेता है। और ये सब्जी रोटी के साथ, नान के साथ, भाकरी के साथ काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। लौकी का भरता बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लौकी लिया है, ये छोटा लौकी है क्योंकि ये देसी लौकी है। अब जो नॉर्मल साइज़ का लौकी मिलता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है, गरम मसाला पाउडर लिया है, दो ग्रीन चिलीज लिए है, 1 इंच जिंजर का लिया है और 4 गार्लिक लिए है। फिर हमें जीरा लगेगा, राई लगेगी, सॉल्ट लगेगा, मिर्ची पाउडर लगेगी और मैंने पीनट की पाउडर ली है। इसे भी 2 से 3 चम्मच हमें पीनट की पाउडर लगेगी। और फिर हमें एक अनियन और 2 टमाटर लगेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लिया है, सो प्लीज चेक इट आउट। अब हम अपने रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम अपने लौकी को लेंगे और इसे वर्टिकली 3-4 जगह पे स्लिट कर लेंगे और फिर उसके अंदर ग्रीन चिलीज, जिंजर और गार्लिक के छोटे छोटे पीसेस को इसके अंदर फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और फिर उसके ऊपर लौकी को रखेंगे और इसे अच्छी तरह सेक लेंगे। इसके ऊपर की जो स्किन है उसे ब्लैक होने तक हमें इसे सेक लेना है और लौकी को बीच बीच में हमें टर्न करते रहना है। जब तक एक बर्नर पे अपनी लौकी सेक रही है तब तक मैं दूसरे बर्नर पे 2 टमाटर और 1 प्याज को सेक लूंगी। तो इसे सेकने के लिए हम नीचे एक जाली रखेंगे और उस जाली पर हम टमाटर और प्याज को रखेंगे और इसे भी टर्न करते करते ऊपर की स्किन ब्लैक होने तक हमें सेक लेना है। अब अपनी दूधी और जो अनियन और टमाटर लिए है उसकी ऊपर की स्किन अच्छी तरह ब्लैक हो गई है, तो गैस की फ्लेम को हम स्विच ऑफ कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद उसकी जो ऊपर की जो लेयर है, ब्लैक लेयर, इसे उतार लेंगे, उसे अच्छी तरह पील ऑफ कर लेंगे। हमें टमाटर, अनियन और लौकी के तीनों के भी ऊपर की स्किन को पील ऑफ करके ले लेना है। अब हमें इन सारी चीज़ों की पेस्ट करके लेनी है अलग अलग। तो पहले हम टमाटर और अनियन को लेंगे, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसे मिक्सर ग्राइंडिंग जार में पेस्ट करके लेंगे और फिर हम लौकी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अगर उसका जो बीच का सीड का पार्ट है वो हार्ड रहेगा तो इसे हम डिस्कार्ड कर लेंगे और बाकी के पार्ट को हम पेस्ट करके लेंगे। और लौकी के साथ हम मिर्ची और जिंजर गार्लिक को भी पेस्ट करके लेंगे। तो हमें 2 पेस्ट बनानी है, एक अनियन और टमाटर के साथ में पेस्ट बनाएंगे और लौकी, जिंजर, गार्लिक की एक अलग पेस्ट बना देंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है और उसके ऊपर कढ़ाई नहीं तो पैन रख लेना है और उसमें 2 से 3 चम्मच हम तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छी तरह गर्म होने तक हमें वेट कर लेना है और फिर उसमें हम राई ऐड करेंगे और जीरा ऐड करेंगे। जीरा और राई को अच्छी तरह तड़कने के लिए हमें वेट कर लेना है और फिर उसके ऊपर हमने जो अनियन और टमाटर की पेस्ट बनाई है उसे ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह सौते कर लेंगे। दो चार मिनट में अनियन और टमाटर सौते हो जाएंगे। उसके ऊपर अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो हमें सॉल्ट ऐड कर लेना है,
फिर हमें गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, इसे भी ऐड कर लेना है और इसे भी अच्छी तरह तेल में मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए इसे भी सौते कर लेना है। अब हम पैन में जो हमने लौकी का पेस्ट बनाया है उसे ऐड कर लेंगे और इसे भी 2-4 मिनट के लिए तेल में अच्छी तरह सौते कर लेंगे। और फिर हमने जो पीनट का पाउडर लिया है उसे ले लेना है और पीनट की पाउडर को भी हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो 2 से 3 चम्मच हमें पीनट की पाउडर को भी पैन में डाल देना है और इसे भी अच्छी तरह मिला लेना है और इन सारे चीज़ों को हमें 2-4 मिनट के लिए अच्छी तरह सौते कर लेना है और अपनी सब्जी रेडी हो गई है। सब्जी रेडी होने के बाद हम इसे बॉल में उतार लेंगे और इसके ऊपर हम कोरिएंडर से गार्निश कर लेंगे। इसे खाते वक्त ये दूधी की सब्जी है या लौकी की सब्जी है ऐसे लगता ही नहीं है। जिसे लौकी पसंद है वो भी इसे प्यार से खा लेता है और ये सब्जी भी फटाफट बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इफ सो, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।